वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुसुम के ब्यूटी टिप्स माई सेल्फ कुसुम। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत बेहतरीन टिप्स आपकी स्किन के लिए। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने एक चम्मच मलाई ऐड किया है और उसमें मैंने एक चम्मच ऐड कर दिया है कॉफ़ी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, कॉफ़ी आपकी स्किन की जो डेड सेल्स होती है उसको निकालने में मदद करती है, साथ ही साथ आपके दाग धब्बों को दूर करती है और चेहरा निखारने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो कॉफ़ी और मलाई को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अगर आप सैलून में जाते हैं, वहाँ से महंगे महंगे आप फेस पैक वगैरह कराते हैं, 2000-3000 का आप फेशियल कराते हैं, तो सिर्फ आपको 2 रुपये की कॉफ़ी लेनी है और उसमें 1 चम्मच मलाई लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा हनी ऐड करना है। तो देखिए, अगर हनी घर का है तो काफ़ी अच्छा है, मेरे पे घर का अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने मार्केट का ही हनी ऐड कर दिया है। इस पैक को अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। और फेस पे अप्लाई करने से पहले आप इन्हें अपने हैंड पे यूज़ कर सकते हैं कि ये फेस पैक आपको सूट हो रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर हम कोई फेस डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर देते हैं तो काफ़ी टाइम ये होता है कि हमें इचिंग वगैरह हो जाती है और या हमें वो सूट नहीं कर रहा है। तो स्किन पे लगाने से पहले आप अपनी त्वचा पर उसको फील करें कि ये आपको अच्छा सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, अक्सर आप देखते होंगे कि आपके चेहरे पे जो पिंपल के दाग धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, वो आपकी खूबसूरती को दिनों दिन कम करते जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करते हैं, इस फेस पैक का, तो धीरे धीरे आपके चेहरे के पिंपल, दाग धब्बे और झुर्रियों को कम करने लगेगा और आपको रिजल्ट 1 वीक में ही देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके चेहरे के विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करते हैं और त्वचा की परतों में रक्त परिसंचरण में भी सुधार करते हैं, जिससे सूजन को कम करने में मदद भी मिलती है। तो गाइस, फेस पे अप्लाई करने से पहले हम फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, तभी हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारे फेस पे कुछ भी लगा होता है तो हम उसी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर आप क्लिनजिंग मिल्क ले सकते हैं या फेस वॉश ले सकते हैं या फिर आप जिस शॉप से फेस को वॉश करते हैं वो शॉप ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे से आपको डस्ट हटानी है अपनी फेस की, या आपने कोई मेकअप वगैरह किया है उसे अच्छे से रिमूव करना है। तो सबसे पहले फेस वॉश को नॉर्मल वाटर से नहीं करना है, आपको जो मैं बता चुकी हूँ उसको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे फेस वॉश से ही अपना फेस को वॉश कर रही हूँ। तो देखिए, काफ़ी अच्छे से रफ करके मैं धो के इसको ला गई हूँ अपने फेस को और मैं इसको टॉवल से इस तरह से पोंछ के उसके बाद ही इस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, ताकि उसका रिजल्ट और अच्छा देखने को हमें मिलेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है टॉवल से और इस टेक्सचर को भी देखिए काफ़ी अच्छा, और मैं अपने हैंड को भी वॉश करके लेके आ गई हूँ और मेरे हैंड पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इचिंग वगैरह बिल्कुल नहीं हुई। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी स्टेप टू स्टेप, तो आप इसे ज़रूर एंड तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। इस पैक को मैं डेली बेसिस में यूज़ करती रहती हूँ इसलिए मैंने सोचा काफ़ी आसान है, तो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। तो देखिए, स्टेप टू स्टेप आप इस तरह से लगाएंगे। अगर आप फिंगर की मदद से लगा रहे हैं, 1 या 2 फिंगर्स से आप इसको लगा सकते हैं इस तरह से, या ब्रश की मदद से भी आप इसको अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसको फ्रूट के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फल के साथ इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम हो जाती है। इसके अलावा स्किन को सूर्य की रोशनी से भी प्रोटेक्ट करता है। सो गाइस, आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन सा कॉफ़ी पाउडर चेहरे के लिए सबसे अच्छा होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इसे फिल्टर कॉफ़ी पाउडर कहा जाता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही लूज़ है, ज़्यादा ही आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, या आपके ओपन पोर्स ज़्यादा हैं, या फिर चेहरे पर दाग धब्बे ज़्यादा हैं और पुराने से पुराने आपके चेहरे के कील मुहासे हैं वो नहीं हट रहे, तो साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ये जो कॉफ़ी है ये ऑल स्किन के लिए है, किसी भी स्किन पे आप इसे यूज कर सकते हैं, काफ़ी
अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और कॉफ़ी पाउडर किस तरह से आपको लेना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कितना आपको फेस पे यूज करना है वो आप अपनी क्वांटिटी और अपनी फेस के अकॉर्डिंग ही आप इसको लेंगे। उसके बाद आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करेंगे। देखो राउंड राउंड में मैंने किस तरह से फेस पे लगा के और किस तरह टू फिंगर से किस तरह मैं कैंची वाला स्टेप अपने फेस पे दे रही हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। इस तरह से आपको हल्के हाथों से मसाज करना है और 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को इसी तरह से मसाज करेंगे, इसको सूखने देंगे। देखो ये जो मैं मसाज कर रही हूँ ये मैं सूखने के बाद कर रही हूँ, जब मैंने 15 से 20 मिनट इसको अपने फेस पे रखा। और सो गाइस मैं यहाँ पे देखिए अपना फेस को वॉश करके ला गई हूँ ठंडे पानी से ये फेस को वॉश करना है और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, रिलैक्स तो फील हो रहा है और साथ में साथ मुझे काफ़ी अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, एकदम शीशे की तरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है और काफ़ी अच्छा है। मैं तो गाइस ये जो पैक मैंने आज यूज किया है ये मैं आज पांचवी बार यूज़ कर रही हूँ और मैंने जब भी यूज़ किया मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और इसलिए मैं आपको भी इसको सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी यूज़ करना या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। मैंने ये कर लिया है यूज। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।